सभी को नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सभी? आशा कि आप सभी अच्छे होंगे। तो आज का हमारा दोस्तों टॉपिक है औपचारिक और अनौपचारिक पत्र कौन से होते हैं। तो इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, फॉर्मल और इनफॉर्मल लेटर्स जिसको बोलते हैं। तो वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग है और जो दोस्त चैनल के ऊपर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना और शुरू से लेकर अंत तक आप उसे जरूर देखना। तो इनके अंदर जो डाउट रहते हैं भाई, औपचारिक और अनौपचारिक जो पत्र कौन से होते हैं, उस जो डाउट है वो सभी आप क्लियर हो जाएंगे। वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग है और जो बच्चे इनके बारे में नहीं जानते हैं तो वीडियो शुरू से लेकर आप अंत तक उसे जरूर देखें। तो चलो हम वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है औपचारिक और अनौपचारिक पत्र कौन से होते हैं, जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं फॉर्मल और इनफॉर्मल लेटर्स जिसको हम बोलते हैं। तो यहां हम इनमें डिफरेंस करेंगे भाई, इसमें औपचारिक और अनौपचारिक पत्र कौन से होते हैं। तो औपचारिक पत्र हम किसे लिख सकते हैं और अनौपचारिक पत्र हम किसे लिख सकते हैं, तो उसके बारे में हम अच्छी तरह से जानेंगे। तो औपचारिक पत्र तो जैसे हम किसी भी अधिकारी को लिख सकते हैं, सबसे पहली बात तो किसी भी अधिकारी या कोई भी अधिकारी हो उसे हम औपचारिक पत्र लिख सकते हैं। तो आप समझ गए होंगे। तो जैसे हमें क्या है, स्कूल में अगर हम छुट्टी लेते हैं, स्कूल के अंदर हम छुट्टी लेते हैं तो वो क्या होता है, हमारा औपचारिक पत्र होता है। तो जैसे हम सॉरी छुट्टी के लिए प्रार्थना पत्र होता है। तो अगर जैसे हमने यहां समझा भी, हम किसी भी अधिकारी को लिख सकते हैं, अगर हमारे पास कोई भी पत्र आता है लिखने के लिए तो हम सोचते हैं भाई वो पत्र औपचारिक है या अनौपचारिक है, तो उसके बारे में हम जानेंगे अच्छी तरह से। तो जैसे हम एक तो होता है जैसे स्कूल के बारे में लिखते हैं, स्कूल में छुट्टी के लिए लिखते हैं, और अपने मोहल्ले में सफाई के लिए स्वास्थ्य अधिकारी, जैसे हो गया स्वास्थ्य अधिकारी, तो जैसे ये है। तो अगर सरकारी कोई भी कार्य है, तो अगर कोई भी अधिकारी है तो उसको हम क्या लिख सकते हैं, औपचारिक पत्र लिख सकते हैं। तो आप समझ गए होगे अच्छी तरह से, जैसे हम स्कूल में छुट्टी लगाते हैं और कोई स्वास्थ्य अधिकारी है, या और जैसे हमें अपने गांव की जो सफाई होती है उसके बारे में हमें किसी को पत्र लिखना है तो वो भी किसमें जाएगा, औपचारिक पत्र के अंदर जाएगा। तो दूसरा इसके अंदर क्या है, अनौपचारिक पत्र होता है, अनौपचारिक पत्र होता है। तो अनौपचारिक पत्र कौन से होते हैं, अनौपचारिक पत्र में जिसको इनफॉर्मल लेटर्स कहते हैं, तो वो क्या होते हैं, हम किस किस को लिख सकते हैं, अपने जैसे मित्र को लिख सकते हैं, मित्र को लिख सकते हैं, इसमें चाचा और मामा, दादा, ठीक है, बहन, ठीक है। तो हम जैसे जो हमारे जो सगे संबंधी होते हैं उनको हम अनौपचारिक पत्र लिख सकते हैं। तो जैसे हम कहीं अपने मित्र के घूमने के बारे में लिखते हैं, तो कोई चाचा होता है हमें कोई जन्मदिन पर उपहार प्रकट करते हैं, कोई देते हैं, मामा है, दादा है, भाई है, बहन है, तो उसको भी हम क्या, अगर कोई पत्र लिखते हैं तो अनौपचारिक उसे हम पत्र कहते हैं, जिसको हम इनफॉर्मल लेटर बोलते हैं। और ये क्या होता है, फॉर्मल लेटर होता है। कोई भी अगर कोई भी सरकारी अधिकारी जैसे स्कूल है, स्वास्थ्य अधिकारी है, तो उसको अगर हम कोई भी पत्र लिखते हैं तो वो पत्र क्या होता है, जिसको हम औपचारिक पत्र कहते हैं। और जो अगर हम मित्र है, चाचा है, मामा है, दादा है, भाई है, बहन है, अगर हम इनमें से किसी भी कोई पत्र लिखते हैं तो वो क्या होते हैं, हमारे अनौपचारिक पत्र होते हैं। तो ये हमारा एक छोटा सा टॉपिक था, आशा है कि आप समझ गए होंगे भाई हम औपचारिक पत्र किसे लिख सकते हैं, अनौपचारिक पत्र हम किसे लिख सकते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी तो अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर करना, वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और ऐसी वीडियो पाने के लिए बेल प्रेस जरूर करना, ताकि सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आप सभी दोस्तों तक सबसे पहले पहुंचे। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।